इनके वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अब अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, रिसेंटली आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, फ्लूड की वजह से, सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में आ चुका है, मदद और सारे लोग मदद के तलबगार हैं लेकिन कहीं से मदद नहीं आ रही। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से रब्ता करने की कोशिश की, इंडिया से हेल्प मांगी है, आपको क्या लगता है इंडिया हमारी हेल्प करेगा? जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि मुश्किल वक्त आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसी तरह ही अगर हमारे पाकिस्तानी इंडिया को बुरा भला कहते हैं, उसे यानी ये हिंदू हैं वो जो मर्जी काफिर कह लें, उन्हें काफिर कहते हैं, मगर अब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, हमें यकीनन अगर इंडिया से मदद मिल सकती है इंडिया से लेनी चाहिए, हत्या अफगानिस्तान से भी मदद हमें मिल सकती है तो हमें उनसे भी लेनी चाहिए। पाकिस्तानियों का मानना है कि हमें मुसीबत के समय में गधे को बाप बनाना पड़ता है। भाई गधा कौन है, यहाँ पे बाप कौन है, पहले तुम इस बात को डिसाइड कर लो। और भाई ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो इंडिया को 24 घंटे गालियाँ देता रहता है, इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क बताता है, लेकिन आज जब इसको मदद होती है तो ये कहते हैं कि ये तो हमारा दोस्त है, हमारा सबसे प्रिय मित्र है, हमारे पड़ोसी ही हमारा सब कुछ होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान कर रहा है। तो चलिए लोगों से जान लेते हैं कि उन्होंने भारत के सामने मदद कहा हाथ क्यों फैलाया, वो कटोरा मदद का क्यों फैलाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इस टाइम जो उनसे सैलाब से तकरीबन 60% मुल्क घिरा हुआ है, इस पर हमारी जो हुकूमत है उसने हेल्प तलब की है इंडिया की, क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी, क्या समझते हैं आप? मैं ये बात करना चाहूँगा कि हेल्प तो कोई कंट्री भी कर सकता है, जिस पे डिजास्टर आते हैं, जो भी ऐसे क्लैप्स में फंस जाते हैं तो कोई भी हेल्प करे तो इसका इशू नहीं है। लेकिन रही बात इंडिया की, जब आपको याद है कि जब सुनामी आया था तो यहाँ पे बहुत से स्टार आए थे हेल्प लेने के लिए, और ये 2006 आई थिंक की बात है, 4 या 2 की बात है, तो जब भी वो ऐसे आए थे तो रास्ते जितने भी आते हैं सारे जो ममालक हैं, जो पड़ोसी हैं, जो नेबरहुड हैं, उनकी वो मुकम्मल उनकी जो जितनी भी हो हेल्प करते हैं। हेल्प आउट के अलावा आपको पता है ये एक मुल्क चलाना एक किसी के पास की बात नहीं होता। अब ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो फिर इसका ये नहीं होता कि आप अपने आप पर डिपेंड करें, अपने आप पर डिपेंड करेंगे तो फिर आप क्या क्या करेंगे? आप अपनी की अपनी पॉलिटिशन को देखें, अपनी इकनॉमिक को देखें, अपने जो कुदरती आफात आ रही हैं उनको देखें, आप किन चीज़ों से निपटेंगे, मुल्क में कैसे हालात जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, अगर इंडिया हमसे हेल्प मांग सकता है, उनके स्टार अगर आके हेल्प मांग सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हेल्प करना चाहे स्टार से आके कब आपसे हेल्प मांगी, कब पाकिस्तान से हेल्प? अमरहन आए थे, आपको पता है जब उनकी मूवी आ रही थी मंगल पांडे, और वो अपना बैट जो उन्होंने वो आई थिंक लगान मूवी में इधर आके उन्होंने लाम किया था लाहौर में, मुझे अभी भी याद है, और वो उन्होंने हेल्प की थी सुनामी के लिए आए थे, ठीक है। और इसीलिए को हमें जाना चाहिए, अगर वो एग्री हैं तो हेल्प करनी चाहिए, एक इंसानियत के होने के नाते आपको हेल्प करनी चाहिए, और लाजमी नहीं कि आप एक हिंदू से या सिख से या मुसलमान से हेल्प आउट करेंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले आप देखें एक इंसान है, ठीक है, आप इंसान की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हेल्प होनी चाहिए जहाँ से भी मुमकिन हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप इस दौर में गुजर रहे हैं, आपको ज़रूरत है हेल्प की। बिल्कुल सर, सर अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये अभी उन्होंने उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने बहुत ही दुख का इजहार किया कि पाकिस्तान में जो उनसे इस टाइम हालात चल रहे हैं, मुल्क के जो हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, तो इस पर हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इससे ग्रो कर जाएगा, मतलब कि अपनी कंडीशन पर वापस आ जाएगा, क्या समझते हैं आपके जहाँ पर दुनिया के 205 कंट्रीज हैं किसी ने भी इस तरह का बड़ा दिल करने का मुजाहरा नहीं किया, तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने आखिर काम आया, उन्होंने कहा अगर मदद की भी जरूरत है तो भाई हम वो भी कर सकते हैं, क्या समझते हैं आप इस ट्वीट को, कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि पड़ोसी मुल्क तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बयान स्टेटमेंट देना कोई ये बड़ा काम नहीं है ना कोई ये बुरा काम है, स्टेटमेंट देना कोई ठीक है, एक आपकी हमदर्दी होती है, आप अपर लेवल पर देखें, ये एक सियासी लेवल पे आप देखें तो ये एक हमदर्दी का इजहार है, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई उसने बयान दिया है या इसको बुरा मनाना चाहिए, उसने बयान क्यों दिया है, या हाँ अगर उसने बयान दिया क्या ये हेल्प आउट करेंगे, ये तो फर्दर देखेंगे इन फ्यूचर कि वो क्या करते हैं, लेकिन बयान की हद तक ठीक है, तो हमदर्दी तो होती है, कल को उधर भी हमारे जो भी डिजास्टर होता है हमारे भी इधर लोग जो होते हैं सियासी बयान देते हैं कि हमें इस चीज़ का दुख है या इतना हुआ है, यार ये तो एक एक कॉमन फिनोमेना है, तो ये तो बात चली आती है, इसमें कोई ऐसा कोई दोराह नहीं है कि ऐसा बयान ना दिया जाए। तो कैसा देखते हैं आप अगर पाकिस्तान के हालात, हमारे पहले तो हमें कोरोना की वजह से, उसके बाद आप देख रहे हैं डॉलर कहाँ पर जा रहा है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है डे बाई डे, क्या वजूहत लगती है कि हम अपने पाँव पर स्टेबल नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हम कभी भी देख रहे हैं 1947 से लेकर अभी तक हमारे हालात ऊपर की जाए गुराफ ऊपर की जाने के बजाय नीचे जाता जा रहा है, इन सबका जिम्मेदार कौन किसको ठहराएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे पहले ये लोगों की अपनी जो ईमानदारी है, लोगों के अपने काम हैं, सबसे पहले इनको देखना चाहिए कौन सी हुकूमत चुनते हैं, फिर उस हुकूमत के आप वो क्या आदम इतमाद हो जाते हैं कि हमें इन पर इतमाद नहीं है, 4 साल तक इमरान खान रहा, इन हुकूमत ने ये हम लोगों ने चुना उसको, और उनको चाहिए था कि उसको लेके आए थे और ये इस चीज़ को इकनॉमी को ऊपर लेके जाते, मुल्क के कुछ लाभ बनते, लेकिन इसका ये एक और फैक्टर है कि जो हालात पहले से ख़राब हों, मैं मानता हूँ कि 4 सालों में ख़राब नहीं हो सकते, लेकिन अगर सही करने हो ना तो सही करने में 1 साल ही काफ़ी है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर हम उनकी बात करें डेवलपमेंट की, तो उनका उसका कंपैरिजन दुनिया के डेवलप कंट्रीज के साथ होने लग पड़ा,
इतना डेवलप कर रहा है, जीडीपी डे बाय डे आसमान छूती जा रही है, और इकोनॉमी दुनिया में जब लिस्ट निकाली गई कि कौन से कंट्रीज जो कोलैप कर सकती हैं इकोनॉमिकल तौर पर, तो देखा गया तो इंडिया का उसमें नाम ही नहीं था। दुनिया के सबसे टॉप कंट्री, जो यूएसए का नाम, चाइना का नाम, जो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मानी जाती है, उनका नाम है, इंडिया का नाम नहीं है इसमें। क्या वजूहत लगती है आपको, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कैसे हो गया? और मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ अपने कंट्री के अंदर बना रहा है, कहीं ये तो स्ट्रेंथ नहीं है इंडिया की? मे भी कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ इसीलिए अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहा है और अपनी कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें भी चाहिए कि अपने आप इंसार करें, ना कि हम IMF के पास जाएं, उधर भीख मांगे या उधर जाएं। इसलिए तो हमारी ये डॉलर हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही, इसी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की एक एग्जाम्पल है, हमारे दूसरे कंट्रीज हैं नेबरहुड में, जो हमारे दूसरे कंट्री हैं, हम उनको देख लें, बांग्लादेश देख लें, हमसे ज़्यादा हुआ है, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा हो गई है, उनकी GDP ग्रोथ कर रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कंसर्न है, लेकिन ठीक है हमारा कंपीट है, लेकिन हमारा राइवल है, लेकिन वो बात ठीक है। लेकिन आप देखें दूसरे ममालिक को जो हमसे बाद में ज्यादा होंगे, आप उनके देखें वो कहां से कहां। अब्दुल्ला, मैं ठीक, नाम आपका? बदर शेख। बदर शेख, शेख साहब, तो मेरा आज का आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो सा अभी आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 60% सलाब के वस्त में आया हुआ है, सलाब ने पाकिस्तान को घेर लिया हुआ है चारों तरफ से, और इस हालात के अंदर हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि सलाब में घिरे हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फॉरेन पाकिस्तानीज हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने भी हेल्प कर दी जितनी उनसे हो सकती थी। अभी रिसेंटली हमारी हुकूमत ने इंडिया से रब्ता किया, इंडिया से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, इंडिया से कॉन्टैक्ट करके ये कहा कि जो कि जरूरत की अशिया आप हमें सस्ते दाम पर प्रोवाइड करें। क्या इंडिया हमें प्रोवाइड करेगा, क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए थी या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, तो सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि हमें अपने साथ वाले पड़ोसी के साथ, जिसके साथ हमारे कल्चरल और इतने ज़्यादा लिंग्विस्टिक टाइज हैं, जिनका हमारा खून सेम है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। होना ये चाहिए था कि उनको खुद ये ऑफर करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, इंसानियत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और अगर उन्होंने, चलो उनको इतनी तौफीक नहीं हासिल हुई, तो मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपनी आवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े, अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी, हमने अपनी जरूरत पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। अभी रिसर्च, जब भी हम कोई किसी से बात करते हैं या मैं मीडिया पे आ गए, यहाँ पर आके माइक पकड़ के बात करता हूँ, तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन के, वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू, अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे, तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात बताए कि अगर हम एक इंसान को उसके मजहब की बुनियाद पर देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पर देखेंगे, तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफ़त है कि मुझसे हेल्प भी मांगे, ठीक है। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, एक को इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय, क्या हुआ यार अगर वो काफिर है तो क्या हो गया, क्या हो गया? आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना, सबका इक्वल है, सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता, उसके बाद मजहब होता है, मानते या नहीं मानते। वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में आ चुका है, मदद और सारे लोग मदद के तलबगार हैं, लेकिन कहीं से मदद नहीं आ रही। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से रब्ता करने की कोशिश की, इंडिया से हेल्प मांगी है, आपको क्या लगता है इंडिया हमारी हेल्प करेगा? जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि मुश्किल वक्त आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसी तरह ही अगर हमारे पाकिस्तानी इंडिया को बूढ़ा भला कहते हैं, उसे यानी ये हिंदू हैं वो जो मर्जी काफिर कह रहे हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, मगर अब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, हमें यकीनन अगर इंडिया से मदद मिल सकती है इंडिया से लेनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान से भी मदद हमें मिल सकती है तो हमें उनसे भी लेनी चाहिए। यार आप जैसे बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आपकी ये मिसाल की नहीं समझ आई मुझे, वो बताया कि आपने कहा कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्या इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। ताल्लुकात मैं समझता हूँ 1947 के बाद से ही हमें अच्छे करने चाहिए थे, बदकिस्मती हमारे, हमें आज तक ये हम कह सकें हकीकी हमें लीडर नहीं मिल सका कायद आजम के बाद। इस वक्त पाकिस्तान में हम देख लें 1947 के बाद सिर्फ तीन पार्टी हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और पीपल पार्टी। इमरान खान तो अभी आया, पहले लोग उसे काफ़ी अच्छा समझते थे, लेकिन अब उसका भी सबके सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या ख्याल है आपको, आप इंडिया को एक आज़ाद कौम, आज़ाद एक सियासत, आज़ाद एक मुल्क मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल, वो आज़ाद मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, आप क्या समझते हो कि कुछ चीज़ों के लेन देन करनी चाहिए या नहीं? लेन देन बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर हमें उनसे फ़ायदा मिल रहा है तो क्या हमें प्रॉब्लम है उनसे साथ, अगर लेन देन नहीं कर सकते हम। नरेंद्र मोदी को आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा लीडर है या नहीं? नरेंद्र मोदी वैसे तो अच्छा लीडर है, उसमें खामियां, एक दो खामियां निकाल के, जैसे खामियां, उनकी खामियां निकालो जरा।
इस्लामी फोबिया। बिल्कुल सही। तो जी इनका कहना है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। भाई मुझे तो पहले ये समझाओ इसमें गधा कौन है और बाप कौन है। देखो भाई, एक तो पहली बात, इंडिया तुमसे बहुत आगे जा चुका है और इंडिया को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंडिया की ज़रूरत है। और अभी देखो दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान को ना गालियाँ भी भारत को देनी है, दुश्मन भी भारत को बनाना, लेकिन भाई जब कटोरा लेकर निकलते हैं ना पैसे मांगने, तो सबसे पहले भारत के दरवाजे पर आते कट मोदी जी कुछ पैसे वैसे दे दो, हमारा जो है खस्ता हालत हो रखी है। चाइना मदद नहीं कर रहा है, अमेरिका मदद नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान भी मदद नहीं कर रहा है, तो इस्लामिक देश भी इनसे लूट गए हैं। तो फिर इसको आना पड़ता है भारत तरफ यार कि मोदी जी कुछ हेल्प करो हमारी, यार बाढ़ आ चुके हैं हमारे पास, गरीबों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, नहाने को नहीं है, तो यही हालत होती है इनकी। बाकी तो यार क्या बोलूँ इनके बारे में, बड़ी अजीब गरीब लोग है भाई। पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है आप लोगों को पता होगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है लोगों को परेशानियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। और ये हुआ है कि पाकिस्तान डैम बना के नहीं रखता, अगर डैम बना के रखता तो उस पानी को रोक सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास भाई पैसा नहीं है डैम बनाने के लिए, क्या करे बेचारा। तो इसमें ना कहीं नाकामी इस पाकिस्तान सरकार की है कि उन्होंने अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया, अपने जो है फॉर्मेशन ठीक नहीं करी अपने, ताकि वो डैम अगर होते और उनका एक अच्छे से नहर व्यवस्था बनाई गई होती तो उस पानी को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया जिससे जो है वहाँ पर बाढ़ आ गई। दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या रहा है, पाकिस्तान एक महान देश के बारे में आपको क्या बोलना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।